सो हेलो एवरीवन, और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। ये जो दो चाबियां मेरे हाथ में देख रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने टाटा नेक्सॉन और ये इसका क्रिएटिव वेरिएंट है। अगर आप एक पेट्रोल एसयूवी प्लान कर रहे हो, बजट है आपका 12-12.5 लाख तक ऑन रोड एक पेट्रोल एसयूवी के लिए, तो भी ये गाड़ी आप देख सकते हो। या फिर आप ये टाटा नेक्सॉन ही प्लान कर रहे हो और आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि बेस से ऊपर आपको आना है, फेसलिफ्ट वाला कुछ मिल जाए आपको और फीचर्स भी आपको ऐसे मिल जाए कि आपको बाहर से एक सिंगल चीज कराने की जरूरत ना पड़े और गाड़ी कहीं तक ऐसा लगे नहीं कि हाँ भाई कहीं से मतलब बेस मॉडल को टच करती है या फिर बेस मॉडल से ऊपर वाला मतलब कुछ ऐसा वेरिएंट है, वैसा सा फील ना दे, वैसी वाइब ना दे, तो ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट टोटली भी आप इसको कह सकते हो, वो किस तरीके से उसकी बातचीत कर लेते हैं। प्राइस इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 11,09,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। अब इस प्राइस पॉइंट पर गाड़ी आपको चीज़ें क्या क्या ऑफर कर दे रही है उनकी बातचीत करें तो ये कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको चाबियाँ देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे सेम चाबियां हैं, सेम कंट्रोल्स के साथ हैं। अब कंट्रोल्स क्या हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे डोर्स को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है, फॉलो मी वाला फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट लाइट आपको मिलती है और ये बूट यहाँ से आप खोल सकते हो, अपना अनलॉक हो जाएगा, खोलना आपको मैन्युअली पड़ेगा। ये कंट्रोल्स हैं और दूसरी चाबी पे भी सेम ही कंट्रोल्स हैं। अभी चाबी को रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये हैं इसकी डायमेंशंस, देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। अब ये फ्रंट से यहाँ पे स्टार्ट करें तो कलर जबरदस्त लग रहा है, क्या ख्याल है इसके बारे में बताना मुझे कमेंट्स में। काफ़ी उठी उठी सी लगती है और जो स्पेसिफिकेशंस है इस गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। अब वो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें, अंदर की स्पेस की बात करें, तो इस चक्कर में मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ से नीचे एक साइड आते हैं तो ये इसके इंडिकेटर्स आप देख रहे हो जो कि मैट्रिक्स में जल रहे हैं थोड़ा इस तरीके से, और ये इसके DRLs का भी काम करते हैं। नीचे एक साइड यहाँ पे एक सिंगल प्रोजेक्टर यूनिट आपको मिलती है जो कि व्हाइट लाइट आपको ऑफर करेगी। ये कॉलम पूरा खाली है, यहाँ पे आप चाहो तो कुछ असेंबल करा सकते हो, अपना फॉग लैंप्स वगैरह जो आते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। ये वेंट्स वगैरह जो आप देख रहे हो ये सब फंक्शनल हैं, ये फेक नहीं है और काफ़ी शानदार सी बोल्ड सी आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है। देखो बढ़िया लगती है सामने से। क्या ओपिनियंस हैं इस फेसलिफ्ट के बारे में मुझे बताना कमेंट्स में। पूरी ग्लॉसी ग्रिल यहाँ पे मिलती है जो कि इस इंडिकेटर से लेके उस इंडिकेटर तक प्रॉपर कनेक्टेड है, DRL पे आप इसको कह सकते हो। बीच में टाटा का लोगो है और नीचे एक साइड से जितना भी ये अपना जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हो ये सब मैट ब्लैक मिलता है। इसकी जो लोअर ट्रिम है ये थोड़ी व्हाइट कलर में आपको मिलेगी, सिल्वर नहीं है ये व्हाइट कलर में आपको मिलेगी। नंबर प्लेट यहाँ पे आएगी और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ये एयर इनटेक के लिए। टोइंग हुक की बातचीत करें तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ इस साइड में तो साइड में क्लैडिंग वगैरह आप देख सकते हो, रेशियो जो है परफेक्ट है, बहुत अच्छी लगती है। उधर की साइड से दिखाता हूँ, लाइट आ रही है उधर की साइड से, ये देखो रेशियो जो है शानदार है एकदम, और कलर भी आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लगता है, बढ़िया। यहाँ पे टायर्स वगैरह बातचीत करें तो गुडियर के यहाँ पे टायर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे टायर सेक्शन इसका है 215/60R16 इंच के कुछ ऐसे आएंगे मशीन कट अलॉयज। ये थोड़ा प्लास्टिक पार्ट आपको मिलेगा, बाकी ये प्रॉपर अलॉय है। आगे डिस्क और पीछे यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर होते हैं इसके अंदर। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बातचीत करें तो ऑलमोस्ट 208 mm की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, मतलब ये नंबर्स में भी ज़्यादा है और आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब बंदा इसके नीचे से निकल जाएगा, इतनी ऊंची गाड़ी है ये। बाकी साइड में आते हैं तो ग्लॉसी ब्लैक ORVM से इंडिकेटर्स के साथ हैं। ये पिलर जो है मैट ब्लैक दिए हुए हैं, ये साइड पिलर्स भी मैट ब्लैक दिए हुए हैं। सनरूफ वगैरह जो है वो नहीं आती है यहाँ पे, रूफ रिल्स आपको मिल जाती हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं और रिक्वेस्ट सेंसर भी आता है, बट वो ड्राइवर साइड ही आपको मिलेगा। यहाँ लेफ्ट साइड से डलेगा गाड़ी के अंदर पेट्रोल, और ये है इसकी पीछे की प्रोफाइल, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। और ये काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे स्पॉइलर आपको मिल जाता है और वाइपर जो है वो आपको मिलता है नीचे की साइड, तो यहाँ पे रियर वाइपर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्रिएटिव वेरिएंट के अंदर। बाकी पूरा LED सेटअप है ये। स्टॉप लैम्प जो है वो यहाँ पे मिलता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मर्ज किया हुआ है वो, ये इसी के अंदर है, इस पार्ट के अंदर ही यहाँ पे है टाटा के लोगों के जस्ट ऊपर। यहाँ पे रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट है, नेक्सॉन मेंशन है यहाँ पे और क्रिएटिव वगैरह कोई ऐसा मॉडल का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ये पीछे इंडिकेटर्स भी आप इसके देख सकते हो, ये भी मैट्रिक्स में चल रहे हैं, थोड़ा सा बाहर की साइड निकलते हैं। बाकी यहाँ पे रिवर्स लाइट है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, दो पार्किंग सेंसर्स हैं और ये कुछ इस तरीके से है पीछे की इसकी प्रोफाइल। बाकी बूट की बातचीत यहाँ पे करें तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक बटन मिल जाती है जिससे आप प्रेस करोगे यहाँ से तो ये बूट आपका एक्सेस हो जाएगा। पार्सल ट्रे आती है, ऑलमोस्ट 382 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस भी मिल जाती है। यहाँ पे बूट लैंप भी है और एक किट वगैरह जो है इसके साथ आएगी। और स्पेयर व्हील की बातचीत करें तो एक गुड़ियर का टायर है और इसके टायर सेक्शन की हम बातचीत करें यहाँ पे 195/60R16 16 इंच का ये, बट ये स्टील व्हील है यहाँ पे। और अभी इसको हम कर लेते हैं बंद और
अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। और यहाँ पे सेल्विसन स्टिकर जो है इनका आता ही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंस। और अभी इंटीरियर की बातचीत करें तो एक सेकंड इसको बंद कर लेता हूँ मैं। और ये देख लो डोर पैनल, मतलब जिस तरीके का एक कलर है उससे मिलती जुलती इसी गाड़ी के अंदर की थीम भी दी हुई है। ये प्रॉपर यहाँ पर सॉफ्ट टच आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वाइट ग्रैब हैंडल है, चारों पार विंडोज़ हैं, डायर साइड विंडो जो है वन टच अप डाउन है, ये विंडोज़ के लॉक हैं। यहाँ पे ORMs के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, स्पीकर है, बोतल होल्डर है, अम्ब्रेला होल्डर है, और ये रिफ्लेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। सिक्स वे मैनुअल एडजस्टेड यहाँ पे सीट मिलती है, और ये फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं। और यहाँ से खुलेगा फ्यूल लिड, नीचे एक साइड तीन पेडल्स हैं, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस वगैरह आपको मिल जाती है यहाँ पे नीचे एक साइड। अभी अंदर चलते हैं और अंदर की बातचीत अंदर से ही करते हैं। सो, अगर एक प्रीमियम वाइब आपको चाहिए ना गाड़ी के अंदर, और आपका बजट ऐसा है कि आपको 12-12.5 मैक्स जाना, उससे ऊपर आप नहीं जाओगे, तो आप बेशक से प्लान करो, ये गाड़ी को दिक्कत नहीं है, सेफ़ है और थोड़ी प्रीमियम लगती है। अभी रिसेंटली फेसलिफ्ट भी आया इसका, तो वो चीज़ भी एक अलग है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है, ये नहीं, यहाँ पे एक बार मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, स्टेयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाएगा, जस्ट सिंपल। सेकेंड टाइम जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो सब कुछ यहाँ पे ऑन हो जाता है, ये म्यूजिक सिस्टम भी और ये क्लस्टर वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे ऑन हो जाता है, ये आप देख सकते हो। और ये दोनों चीज़ें आपको डिजिटल ही मिलती हैं। क्लस्टर की यहाँ पे बातचीत करें तो यहाँ पे आपको एक 7 इंचेस की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसमें गाड़ी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सब आपको डिजिटल फॉर्म में ही शो होंगी। यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, ऑडो, ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल फॉर्म में देखने के लिए मिलती हैं। बाकी ये व्हीकल इन्फो, नोटिफिकेशन, लेआउट, सेटिंग, ये सब आपको यहाँ देखने मिल जाता है। ड्राइवर असिस्ट, व्हीकल इन्फो वगैरह, ये सारी चीज़ें, TPMS वगैरह भी आप देख सकते हो ये गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। बाकी ये RPMs हैं इसके, ये साइड में जो आप देख रहे हो, इधर साइड टेम्परेचर और फ्यूल आएगा। यहाँ पे आते हैं तो ये मिल जाते हैं आपको वाइपर्स के कंट्रोल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग व्हील आपको मतलब जो नया वाला वही मिलता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा लोअर ट्रिम की तरफ जाती है गाड़ी तो मतलब पुराने वाला स्टेयरिंग मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यही नए वाला लोगो आपको मिलेगा, नए वाला स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे टाटा का लोगो है जो कि इलिमिनेटेड है। यहाँ पे इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, और ये इस बीच वाली डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं जहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है सेट करोगे। एयरबैग की अवेजिंग आपको मिल जाती है, और इसकी एडजस्टमेंट की बातचीत हम करें तो ये टिल्ट एंड टिल्ट ऑप्शन के साथ ही आपको सिर्फ मिलेगा। और ये फ्लैट बॉटम है नीचे से, मतलब इन हैंड फील जो है वो अच्छी है स्टेयरिंग की, नो डाउट। बाकी डैशबोर्ड से दिखाता हूँ, ऊपर ही साइड से देख लो, बेज पूरा जो हेडलाइनर है वो आपको मिलता है, कोई सनरूफ वगैरह यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, पैसेंजर एयरबैग रिमाइंडर है यहाँ पे, ये यूनिट पूरी खाली मिलती है। ये अपना कुछ इस तरीके से व्हाइट लाइट आपको मिल जाएगी, मैनुअल डिमिंग IRVM यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, और चीज़ें सॉलिड है, मतलब कुछ भी आपको ऐसा लूज सा फील नहीं होगा। यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट भी आपको मिल जाती है। डैशबोर्ड की बातचीत करें तो कुछ ये है इसका व्यू, यहाँ पे वही पुराना वाला हारमन का सेटअप आपको मिलेगा, मतलब डिस्प्ले जो है पुरानी वाली आपको मिलेगी, ये हारमन का है, और ये कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हो। ये देख लो, ये ऑन हो चुका है यहाँ पे, और इसके अंदर एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वगैरह जो है वो सब आपको मिल जाता है। सो ये हैं जी, नीचे एक साइड आते हो तो कुछ इस तरीके के हैं AC वेंट्स, जो कि अभी टाटा की कर्व आएगी तो उसके अंदर भी ऐसा ही इंटरफेस आपको मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, टेक्सचर जो है शानदार है, मतलब अच्छी वाइब है इसकी भी, ये पूरी प्रॉपर स्टिचिंग वगैरह आपको मिलती है। ये नीचे का जितना भी पैनल आप देख रहे हो सब टच में है, और एकदम ग्लॉसी ब्लैक है, तो फिंगरप्रिंट्स तो इसके ऊपर आएंगे। बाकी अच्छी भी लगती हैं चीज़ें, हेजा लाइट यहाँ से चलेगी, बूट यहाँ से खोल सकते हो, लॉक्स यहाँ पे हैं इसके, और ये AC कंट्रोल्स हैं कुछ इस तरीके के, तो टच अच्छी है नो डाउट। नीचे एक साइड आओगे तो एक टर्बो का चार्जिंग सॉकेट है, एक USB पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट है, 6 स्पीड का मैनुअल गियर लिवर है कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे, और ये टॉप वेरिएंट तक ऐसा ही आता है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर ऐसा दिया हुआ, टॉप वेरिएंट तक ये ऐसा ही आता है। ये अपना मोड सेलेक्टर डायल आपको मिल जाता है, सिटी मोड, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, तो ये है। और स्पोर्ट्स मोड पे लिटरली वो चीज़ फील होती है इस गाड़ी के अंदर कि हाँ भाई किसी वजह से यहाँ पे है। ये हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ है, आर्मरेस्ट वगैरह मतलब ऐसा नहीं आता प्रॉपर जो यहाँ पे रखा रहे, बाकी ये कनेक्टेड है तो आप कुछ इस तरीके से अपना हाथ जो है यहाँ पे रख सकते हो, रेस्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं प्रॉपर। ग्लो बॉक्स की बातचीत करें तो कूलिंग फंक्शन के साथ मिलता है ग्लो बॉक्स, और काफ़ी डीप है ये, काफ़ी ज़्यादा डीप है। सो ये हैं यहाँ से सारी चीज़ें, कुछ रह जाएं तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। अभी रियर स्पेस क्या है इस गाड़ी की, और पीछे क्या कंट्रोल्स हैं, और कंफर्ट कैसा, उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। सो अभी चले हैं रियर सीट पे, और ये देख लो यहाँ पे, यहाँ पे भी प्रॉपर सॉफ्ट टच है, वाइट कलर का अपना ग्रैब हैंडल है, क्रोम डोर लेवर है, पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर, बोतल होल्डर, सारी चीज़ें। अभी इंटीरियर में चले गाड़ी के, सो यहाँ आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब कमाल ये सीट्स,
आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, सीट्स इतनी कुछ नहीं है, मतलब गजब की। अब इसमें मैं क्या बताऊँ आपको कि किस तरीके के बंदे के लिए, बाकी कंफर्टेबल है, आपको मज़ा आ जाएगा। थाई रूम में कोई इशू नहीं है, लेग रूम आप देख सकते हो, 5 नंबर मेरी हाइट है। आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और यहाँ पे हेड रूम वगैरह भी आप देख सकते हो कितना मेरे पास, मैं यहाँ पे आराम से बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पॉकेट्स नहीं है, यहाँ पे भी पॉकेट नहीं है। रेयर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 एडजस्टेड हेडरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। पिलर्स पे आप देखोगे तो एयरबैग के टैग्स भी आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स हैं, और जो कि इस तरह से इजी फोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे हुक्स आपको मिल जाते हैं इधर भी, और मटेरियल जो है काफ़ी सॉलिड सा, मतलब कुछ भी चीज़ आपके से हल्की सी या फिर लूज सी फील नहीं होगी। ये एक एडवांटेज है इस गाड़ी के पास। बाकी पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, और अभी चलते हैं गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की तरफ, और वहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ आपको मिलती है और क्या पावर वो आपको डेवलप करके देती है, और किस तरीके का मतलब ओवरऑल जो लेआउट्स वगैरह हैं क्या है इंजन के, उसकी बातचीत कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। सो बात करें गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग आपको मिल जाती है, और जिस तरीके से इंस्टॉल की गई है वो चीज़ भी अच्छी है, मतलब ऐसा लूज सा नहीं छोड़ा गया है इसे। इंजन की बातचीत करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिला 1199 cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देता है 118 bhp, 118 bhp, 170 Nm का टॉर्क, 170 Nm का टॉर्क, 44 L की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है गाड़ी से, जिससे 17 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और आप देख सकते हो शानदार सा बड़ा सा इंजन इसका, गजब। अभी इसको कर लेते हैं बंद और फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थे आपके सामने 2024 टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव। क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में बताना मुझे कमेंट्स में, और अगर आपका बजट हो 12-12.5 लाख का तो आपकी प्रेफरेंस कौन सी गाड़ी रहेगी, या फिर किसी के पास ये गाड़ी है तो वो रिकमेंड करता है या नहीं करता इस गाड़ी को, मुझे बताना कॉमेंट्स में। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।